to my channel. So, आज का जो वीडियो है वो है एक अनबॉक्सिंग वीडियो कि आज हम लोग क्या अनबॉक्स करने वाले हैं. What is going on around here? जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एक वेजिटेबल सेट. जो कटेबल वेजिटेबल सेट है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरा किचन बन रहा है और उसके लिए मेरे को किचन में खाना भी तो चाहिए ही होगा ना. तो इसीलिए मेरी मम्मी ने मेरे किचन के लिए ये जो वेजिटेबल सेट है ये मंगाया है. तो चलो फ्रेंड्स, उसको अनबॉक्स करते हैं. डब्बा को खोल देने के बाद हमें जो मिला है वो है ये बास्केट, जिसपे इन्होंने अच्छे से पैक किया है एंड प्लास्टिक रैप भी दिया है. तो ये अच्छी बात है, गुड थिंग. बट हाँ, इसको अभी हम लोग यहाँ ओपन करेंगे. 5 minutes later. तो हमारा प्लास्टिक रैप जो है हमने निकाल दिया. और ये बास्केट जो है ना, मेरे को सच्ची है फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इसके अंदर मैं अगर बाजार भी जाऊँ ना तो बहुत वाओ. अच्छा, तो इधर एक साइड में हमें करेला. अरे यार, एक साइड में हमें वेजिटेबल्स दिया गया है, एक साइड हमें फ्रूट्स दिया गया है. दोनों साइड हमें ऐसा कटिंग बोर्ड और चाकू भी दिया गया है दोनों साइड्स में. तो इनको हम लोग अभी अलग करेंगे. एंड इसके अंदर एक पेपर, ओ नहीं, ऐसे ही है. तो ये मेरे को बास्केट क्यों हैंडी और अच्छा लगा, क्योंकि मैं अगर मार्केट भी गई, अगर मैं खेल रही हूँ ऐसे टॉयज के साथ, मैं मार्केट भी अगर गई तो फिर मैं इसको ले भी सकती हूँ ना, कि मार्केट में सब्जी लेने गए हो ऐसे. तो चलो अभी इसको हम लोग, इसके जो बैग है इसे निकालते हैं. निकल आया का स्टेपल्स और इधर का स्टेपल. ये स्टेपल निकालना बहुत डेंजरस है फ्रेंड्स. तो सबसे पहले हम लोग हमारा वेजिटेबल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रूट्स देखेंगे. सो देखते हैं हमें वेजिटेबल्स में क्या क्या मिले हैं. और हमें चाकू भी मिला है. मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे, मतलब ऐसे चाकू और कटिंग प्लेट्स हैं, 2-3 तो हैं ही. मेरे को एक और 2 मिल गए. तो देखते हैं हमें कौन कौन से वेजिटेबल्स मिल गए हैं. इनको हम ज्वाइन करेंगे पहले. मेरे को लग रहा था ओनली वेजिटेबल्स आएगा, इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल दी कि काइंड ऑफ वेजिटेबल्स ही आएंगे. बट आई डेंट नो कि फ्रूट्स आएंगे, क्योंकि मेरे पास फ्रूट्स ऑलरेडी हैं ना, इसीलिए. तो इसको हमारा फ्रूट्स, ओ नो, हमें बहुत सारे मतलब चॉपिंग बोर्ड ये 2-2 मिल गए हैं. तो इनको हम लोग यहाँ रख देते हैं. एंड अभी चलो हमारे फ्रूट्स को ज्वाइन करते हैं. चलो फिर मैं शेप दे के इनको ज्वाइन कर लेती हूँ. अच्छा, तो इन्होंने एक पार्ट में ही लगाया है, दूसरे पार्ट में नहीं लगाया है. बट दूसरे पार्ट में लगाना भी क्यों है, एक पार्ट में तो इन्होंने 3D वाला लगा दिया. एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. नाउ अभी है अनोखा फ्रूट. देखो, ग्रेप्स प्लस वाटरमेलन, ग्रेप मेलन. अनोखा फ्रूट है, ऐसे पैकेज मतलब आता है जब हिल गया होगा. मेरे पास एक्चुअली ग्रेप्स नहीं था मेरे फ्रूट्स में, मेरे पास बस बनाना था, ऐसा वाटरमेलन था, ऑरेंज एप्पल बनाना भी था. तो ये हमारा बनाना है. और जो मेरे पास बनाना है ना, वो सीधा नहीं, वो थोड़ा सा टेढ़ा है. अच्छी बात है, मेरे गुड थिंग मेरे को ये सीधा वाला मिला है, क्योंकि मेरे को टेढ़ा वाला पसंद नहीं है. अभी बारी आ गई हमारे ऑरेंज की. ऑरेंज आपको पता है मेरा फेवरेट फ्रूट है, मेरे को ऑरेंज बहुत पसंद है. आपका फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल क्या है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना. फेवरेट वेजिटेबल्स आया नहीं, भिंडी भी था उसमें. भिंडी और आलू, बट कौन आ गया मैं खा सकती हूँ क्या उसको. ठीक है, हमारा ऑरेंज जोक्स अपार्ट एंड
वायलिन, तो मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, मतलब ये पर कुछ कुछ चीज़ें जो इमेज में दिखाए थे मिसिंग है शायद, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सैड भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, जितने मिले उतना हम खेलेंगे। तो अभी जैसे कि मैंने मेरा एक और वीडियो किया था जिसमें मैंने ऐसे मेरा जो फर्स्ट फ्रूट था उसको अनबॉक्स किया था, तो उसके जैसा हम लोग गेम खेलेंगे अभी, ठीक है। कौन सा गेम? जो गेम में मैं बोलती हूँ कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ये करके करना है कि कौन सा फ्रूट है कौन सा वेजिटेबल्स है, तो इसको मम्मी आप मिक्सअप करोगी, नहीं तो मेरे को लग रहा है मैं चीटिंग करूँगी और उसके बाद फ्रेंड्स बोलेंगे चीटा प्रिया ची, इसीलिए। सो फ्रेंड्स अभी ये मैंने खुद मिक्सअप नहीं किया, ये मम्मी ने कर दिया है, तो अभी मैं इनको फील करूँगी और लगाऊंगी कि कौन सा फ्रूट क्या है। तो चलो मैंने ब्लैंक फोल्ड लगा दिया है, मैं नहीं देख रही, ये मेरे को एप्पल लग रहा है, एप्पल का दूसरा लगा गया, नहीं नहीं ये राउंड है, कहाँ से एप्पल का दूसरा वाला, इसमें नहीं है, ये लग क्यों नहीं रहे, ये नहीं है शायद, अरे यार पता नहीं कैसे लगेंगे, ऐसे वैसे एप्पल कैबेज लग रहा है, ये वाटरमेलन था जिसको मैंने छुआ था, और ये कौन है, ये कौन है, ये बनाना है, तो ग्रेट लग रहा है, ये तो कौन है ना, तो कौन का, हाँ ये ग्रेप्स जो मैंने छोड़ा था, एक और ग्रेप्स ये तो ना काजल मेरा हो गया, मैं अभी ब्लाइंडफोल्ड खोल के देख, मैंने करेला किया ही नहीं था, राइट है, ये राइट है, 10 30 पॉइंट्स मिल गए, हाँ ये 10 40 पॉइंट्स मिला, ये 10 50 पॉइंट्स मिला, और 50 मैंने लूज कर लिया, तो मतलब ये नहीं किया और बाकी सब उलट गया, तो 100 आउट ऑफ 50 100 ऑर्डर मेरे को 50 मिल गया, मैंने मेरा आधा मार्क खो चुकी हूँ, मैंने करेला को नहीं किया था, मेरे को लग रहा था कि ये एप्पल है, और ये मैं पता चला ये क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा था क्योंकि इन दोनों का इधर फोमी फोमी है सिर्फ, ओके एक काइंड ऑफ मिडल है ये गेम में, ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं मिले मेरे को या ज़्यादा कुछ मिले नहीं, तो इसीलिए अभी हम इधर ना, मेरे को मेरे घर में जब भी मेरे घर में अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खत्म होंगे ना, तो मैं सब्जी मंडी आऊँगी और ये होगा सब्जी मंडी हमारा, ठीक है। तो सब्जी मंडी आने के बाद लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लेते सब्जी, ले लो सब्जी, कैबेज ले लो कैबेज, ऑरेंज ले लो ऑरेंज, फ्रेंड्स ऑरेंज लोगे क्या, ऑरेंज ऑरेंज ले लो, और ये अनोखा फ्रूट ले लो, अनोखा फ्रूट जो है ना इन्वेंशन किया है, इसका ब्लाइंड फोल्डेड इन्वेंशन, इसलिए मेरे को क्यों एक बार सैड लगा क्योंकि मेरे को इसका रेस्ट ऑफ द जो वेजिटेबल्स है वो नहीं मिले, और ये जो गाजर है ना ये बहुत जल्दी सेपरेट हो जा रहे हैं, इसीलिए ये जैसा ऑरेंज थोड़ा टाइट है, ये टाइट है, गाजर उतना टाइट नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे स्लिप हो जा रहा है, तो इसीलिए, बट नो वरीज, मेरे को स्टिल ये जो है मतलब इसके फ्रूट के लिए मेरे पास बहुत सारे, मतलब इनमें से गिर जाता अभी, मेरे पास बहुत सारे इनमें से जितने फ्रूट वेजिटेबल दिए गए नहीं है, जैसे कि मेरा ये ग्रेप्स हुआ आपका, ये येल्लो कैप्सिकम हुआ, ये सब इसीलिए, ओके सो जैसे कि मेरा ये ग्रेप्स हुआ, मेरा ये कैप्सिकम हुआ, येलो वाला कैप्सिकम, ये मेरे पास नहीं था, कैबेज हुआ, करेला हुआ,
गाजर हुआ, कॉर्न हुआ और बाकी ऐसा मेरे पास थे, बट ऑरेंज भी हुआ मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरा ऑरेंज का जो एक पार्ट था ना वो गुम गया था, हमने जब रूम क्लीन किया था तब एक पार्ट मिल गया था। तो आई थिंक ये होगा ऑरेंज पापा, और जो छोटू वाला ऑरेंज है मेरे पास होगा ऑरेंज बेटा। सो इन सबको मैं सोच रही हूँ कि वापस ऐसे बास्केट के अंदर भर दूँ, क्योंकि मेरे को ये बास्केट जो है काइंड ऑफ क्यूट लग रहा है भरने के लिए चीज़ें, इसमें मैं इनके अंदर इन सबको ऐसे भर दी। और मैं मार्केट से आ गई हूँ फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का ये अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगा हो। और मैं एक बात बोलना भूल गई, अगर आपको ये सेम वाला मतलब जो मैंने मंगाया है ये फूड सेट एंड वेजिटेबल सेट आपको चाहिए तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी मैं भूल गई थी। एंड बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू डू 3 things विच इज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो मैं अभी इन सबको ना मेरे घर के अंदर भर के आती हूँ, बाय।